वर्ल्ड कप है, इंडिया ही जीतेगा, हमेशा इंडिया ही जीतता, पाकिस्तान तो कभी जीता ही नहीं वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी है? हाँ पाकिस्तानी है, लेकिन वैसे प्लेयर्स की बात होती है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, विराट कोहली अच्छा है, उनका बहुत अच्छा है। इंडिया हार गया तो आप क्या करेंगे? पंगड़े पावांगा। विराट कोहली बहुत नाइस पर्सन है यार, कसम से मैंने उस जैसा बंदा ना अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, इतना वो नाइस पर्सन है ना विराट कोहली, मुझे तो उसे प्यार हो गया। कप्तान से उम्मीद है सबसे ज़्यादा कि वो रन्स भी करेंगे, रिजवान से उम्मीद है और शाहीन शाह अफरीदी से उम्मीद है, क्योंकि रोहित शर्मा के जब पैड पर बॉल लगती है और जब केएल राहुल के वो किले पे बॉल लगती है तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है और आवाम जो है ना वो खुश हो जाती है। मतलब बेस पाकिस्तानी फैन तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा पीक पे है कि भाई पाकिस्तान को अच्छा करना है, हमने जीतना है, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए, रोहित शर्मा लोगों की गिल्ली उड़ानी है, मोहम्मद आमिर वाली याद ताज़ा करनी है, फ़ैन ही फ़ैन है क्रिकेट के। तो सबसे ज़्यादा किसकी टीम जो है, जो पाकिस्तान किसके साथ खेलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है? देखिए पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बड़े हाइप क्रिएट करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है। यू फाइव की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। गुड आफ्टरनून, ऋतु फाइव के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है T20 वर्ल्ड कप, आज हम आवाम से पूछेंगे कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी। बाबर आजम से आवाम को जो है कितनी उम्मीदें हैं, 23 अक्टूबर को जो है ये मैच होने जा रहा है, आवाम से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी। तो चलिए आवाम से बात करते हैं। मैच जिस तरह 23 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रिपरेशन है, पाकिस्तान जीतेगा क्या, जो है जीत का सहरा अपने नाम सजाएगा? मतलब बेस पाकिस्तानी फैन तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा पीक पे है कि भाई पाकिस्तान को अच्छा करना है, हमने जीतना है, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए, रोहित शर्मा लोगों की गिल्ली उड़ानी है, मोहम्मद आमिर वाली याद ताज़ा करनी है, वसीम अकरम वाली याद ताज़ा करनी है और बाबर आजम ने जुवेद मियादाद वाली याद ताज़ा करनी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी होती है ना कि मतलब कि आप देखें जंग तक बात आ जाती है पुरानी लफ्ज़ों में। तो आजकल तो काफ़ी ज़्यादा प्यार है, प्लेयर एक दूसरे को जफियाँ डाल रहे हैं, विराट कोहली शाहीन से मिल रहा है, बाबर से मिल रहा है, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं और ये पाकिस्तानी टीम ने अपनी इज्जत बढ़ाई है। बाबर आजम ने उन्हें 10 विकेटों से शिकस्त देके, शाहीन शाह अफरीदी ने उनके 3 आउट करके अपनी इज्जत बढ़ाई है उनकी नजरों में, तो उनके अब वो उनके दिलों में पाकिस्तान का होप होगा। और बाबर आजम ने विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, मतलब रोज आप देखें हर एक मैच में बाबर आजम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। विराट कोहली का अपना एक इम्पैक्ट था, पर बाबर आजम आप देखें जिस तरह से आईसीसी रैंकिंग में टिके हुए हैं, अभी तक बुरा फेज नहीं आया। विराट कोहली पिछले एक साल में बुरा फेज गुजारा है, पर बाबर आजम का बिल्कुल बुरा फेज भी नहीं आया। तो बाबर आजम से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें और मेरा पर्सनल भी दिल है कि बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएं ताकि उनका असर हो। वैसे मैचेस तो कोई भी जितवा लेता है, कप्तान जैसे इमरान खान साहब थे उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, तो बाबर आजम से भी वही उम्मीद है वर्ल्ड कप जितवाएं वो। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अजान। अजान जी, जी अजान। अजान मुझे ये बताएं कि मैच में कितना इंटरेस्ट है? बहुत ज्यादा। किस टीम का मैच ज्यादा पसंद करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और किसके साथ पाकिस्तान? मैं बताता हूँ, एक इंडिया पाकिस्तान का और एक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच देखने वाला होता है। अच्छा, बस ये दो मैच, ये ज्यादा इंटरेस्टेड मैच जिनकी वजह से। हाँ, T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का 23 को, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? यार अभी कह तो नहीं सकते, क्रिकेट है, आखिरी बॉल तक भी आप कुछ नहीं कह सकते, आखिरी बॉल तक रेट देखने से कभी भी पासा पलट सकता है, लेकिन इस टाइम 50-50 है दोनों की तरफ। अच्छा। हमारी बॉलिंग लाइनअप मजबूत हो गई है, शाहीन शाह की तरफ से शाहीन शाह वापस आ गए हैं, उधर से जसप्रीत बुमराह थोड़ा लैक होगा इंडिया को बॉलिंग में, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह वो इंजर्ड हो गए, बाहर चले गए, उनकी जगह जो मोहम्मद शमी आए हैं उन्होंने ये वार्म अप मैच खेला ये अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट्स लिए हैं, ये एक अच्छी साइन है इंडियन बॉलिंग के लिए कि उनका जो बॉलर है वो फॉर्म में आ गया। पर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो आपको नहीं लगता है पाकिस्तान के पास ये प्लस पॉइंट है? बिल्कुल पाकिस्तान के पास ये प्लस पॉइंट है, लेकिन पाकिस्तान जो लैग खा रहा है वो अपने मिडिल ऑर्डर से लैग खा रहा है, उनके पास देखें अब हर चीज़ तो अब बाबर आजम या रिजवान पर तो नहीं छोड़ सकते ना, बाकी टीम के पांडों ने भी तो कुछ करना ही है ना। अब कौन जीतेगा? यार वैसे एज अ पाकिस्तानी मैं तो पाकिस्तानी के साथ दूंगा कि पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह जीते, इंडिया को हराए, इंडियन टीम भी बहुत मजबूत लग रही है इस बार। इंडिया हार गया तो आप क्या करेंगे? पंगड़े पावांगा। पाकिस्तान में कौन सा क्रिकेटर आपका फेवरेट है? यार अब टू बी ऑनर्स बताया जाए तो जो हमारे फॉर्मर कैप्टन है और जो हमारे तीनों क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम की तीनों फॉर्मेट में, बाबर आजम वो स्पेशली बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, और एक जो इंडियन टीम के रिसेंटली कप्तान रह चुके हैं विराट कोहली, बहुत नाइस पर्सन है यार कसम से, मैंने उस जैसा बंदा ना अपनी ज़िंदगी में वो कभी नहीं देखा, इतना वो नाइस पर्सन है ना विराट कोहली, मुझे तो उसे प्यार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या नाम है? मुबीन अहमद। मुबीन अहमद, इतना लंबा होने का राज क्या है? यार ये कुदरत का करिश्मा है, अब मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता मैं। अच्छा, और सेहत का क्या राज है? सेहत का ये राज है कि मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, दिन रात से मेहनत करता हूँ तो खाता कम। अच्छा, खाते कम है, खाया कि नहीं जान बनाए। अच्छा मुझे बताएं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है T20 वर्ल्ड कप, आपको क्या लगता है किस टीम से आपको उम्मीदें हैं? पाकिस्तान जीतेगा इस दफ़ा या इंडिया जीतेगा? हर बार की तरह इंडिया को शिकस्त होगी इंशाल्लाह, देखिएगा। और वर्ल्ड कप में तो हम इंडिया को नहीं मतलब हरा पाए ना, वर्ल्ड कप में ना हरा पाएं, लेकिन T20 में तो इंशाल्लाह हराएंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारी टीम जो है बड़ी पावरफुल टीम है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीदें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से हम जो है जीतेंगे इंशाल्लाह। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? हाँ हाँ, बाबर आजम। बाबर आजम। और इंडिया में विराट कोहली। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? काजिम अब्बास। काजिम अब्बास, काजी मुझे ये बताएं कि मैच में कितना इंटरेस्ट है आपको? जीरो। जीरो, और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तब भी जीरो या थोड़ा बढ़ता है? फिर मज़ा आता है देखने का भी, एंजॉय करते हैं। पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, तो 23 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा T20 वर्ल्ड कप? अच्छा, वर्ल्ड कप है, इंडिया ही जीतेगा, हमेशा इंडिया ही जीतता, पाकिस्तान तो कभी जीता ही नहीं वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी है? हाँ पाकिस्तानी है, लेकिन वैसे प्लेयर्स की बात होती है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, विराट कोहली अच्छा है, उनका बहुत अच्छा है, हमारा भी बाबर आजम अच्छा है, लेकिन अगर तो पाकिस्तान की बात करते हैं फिर तो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन असरात उनके नज़र नहीं आते पाकिस्तान के जीतने। आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा? हाँ। इंडिया में कौन सा फेवरेट क्रिकेटर है और यहाँ कौन सा फेवरेट है? इंडिया के मुझे विराट कोहली और धोनी पसंद है, ठीक है, अब और इधर बाबर आजम ही पसंद है बस, या फिर अफरीदी पसंद है, वो खेलते नहीं ज़्यादातर, ये सीन है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान, तो मुझे ये बताएं कि मैच कितना इंटरेस्ट लेते हैं मैच में? बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ़ैन ही फ़ैन है क्रिकेट के। तो सबसे ज़्यादा किसकी टीम जो है, जो पाकिस्तान किसके साथ खेलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है? देखिए पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बड़े हाइप क्रिएट करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट पैदा होता है, तो उन्हीं मुकाबलों में सबसे ज़्यादा जो ना वो मज़ा आता है हमेशा से। अभी T20 वर्ल्ड कप है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, आपको क्या लगता है किससे आपको उम्मीदें हैं? मैम इस बार मुझे उम्मीदें हमारे कप्तान से हैं, बाबर आजम से और शाहिनशाह अफरीदी से, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हमारी टीम ने तारीख रकम की थी, किसी भी वर्ल्ड कप की तारीख में आज तक पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं हराया था, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया से ज़्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में हम कभी हरा नहीं पाते थे, तो हमने पिछले साल जो वर्ल्ड कप में मुकाबला हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, हमने तारीख रकम कर दी थी। बाबर आजम वो पहले कप्तान थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख में जो है ना पहली मरतबा भारत को शिकस्त दिलवाई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथों, तो भाई इस दफ़ा भी मुझे अपने कप्तान से उम्मीद है सबसे ज़्यादा कि वो रन्स भी करेंगे, रिजवान से उम्मीद है और शाहिनशाह अफरीदी से उम्मीद है, क्योंकि रोहित शर्मा के जब पैड पर बॉल लगती है और जब केएल राहुल के वो किले पे बॉल लगती है तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है और आवाम जो है ना वो खुश हो जाती है। इस बार तो आपको पता है मेलबर्न में मैच है, 1,00,000 का क्राउड होने वाला है, तो मज़ा आने वाला है बस, और हाइप जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होने वाली है मैच की। तो आपको नहीं लगता कि जब पाकिस्तानी आवाम को जो है उम्मीदें होती हैं तभी उम्मीदों पर पानी फिरता है? ये है, वैसे है, पिछले साल भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन पिछले साल इस वजह से कम हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान कभी जीतता ही नहीं था, अब इस दफ़ा उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तान जीतना शुरू कर दिया है, अब अल्लाह करे, क्योंकि हम पिछली दफ़ा एशिया कप में इंडिया को हरा के भी आ रहे हैं, तो उम्मीदें ज़्यादा हमें कि हो सकता है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी ना उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है और हमारा सबसे बड़ा वेपन भी है, तो अगर हम अपने वेपन को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, तो मे बी इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा और इंडिया को इंशाल्लाह पछाड़ देगा। तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है इंडिया में और पाकिस्तान में? इंडिया में विराट कोहली है और पाकिस्तान में जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया क्रिकेट के बाबर आजम वो वाहिद क्रिकेटर है मैम जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना बहुत सा नाम कमाया है और विराट कोहली के तकरीबन सारे रिकॉर्ड्स जो है ना वो उन्होंने इस एज में आके तोड़ दिए हैं, तो भाई बाबर आजम है, तो मेरा दुनिया में इस वक्त फेवरेट क्रिकेटर बाबर आजम ही है। तो नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी है कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी, इंडिया या पाकिस्तान? 23 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम विन करेगी, जीत का सहरा जो है कौन सी टीम अपने सर सजाएगी? तो अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।